Tripathi, welcome you on my YouTube channel Tripathi Preparation Classes. Friends, मैंने इससे पहले मुगल डायनेस्टी के दो पार्ट्स को कंप्लीट किया, जिससे फर्स्ट पार्ट में हमने बाबर के बारे में पढ़ा, सेकेंड पार्ट में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ा। आज के इस वीडियो में हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि प्रीवियस एग्जाम्स या आने वाले सभी एग्जाम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ये सारे एग्जाम्स जैसे कि SSC, UPPCS, SSC और UPPCS, UPSC, इन सभी एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो बिगिन करूं, मैं एक ध्येय वाक्य के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करना चाहता हूं, जो कि है, एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक डिसीजन से थोड़ा कुछ बदलता है, एक निश्चय सब कुछ बदल लेता है। फ्रेंड्स, इट्स मीन कि अ डिजायर कैन चेंज एनीथिंग, अ डिसीजन कैन चेंज समथिंग, बट अ डिटरमिनेशन चेंज एवरीथिंग। सो यू मस्ट बी डिटरमाइंड टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ एंड यू शुड वर्क हार्ड। कि हम एक निश्चय रखेंगे और एक कठिन परिश्रम करेंगे और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसी विचार के साथ हम आज की क्लास बिगिन करते हैं और मुगल डायनेस्टी में अकबर के बारे में पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी पढ़ते हैं। मुगल वंश में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद की और उसने इब्राहिम लोदी को इस युद्ध में हराया और मुगल शासन की स्थापना की। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी हुमायूं शासन करने आया और उसने 1530 से लगाए 1555 के बीच में शासनकाल किया। उसके बाद 1556 में जब उसकी मृत्यु हुई तो उसका पुत्र, उसका उत्तराधिकारी अकबर द ग्रेट, अकबर महान भारत का शासक बना और उसने मुगल सल्तनत पर शासन किया और भारत का एक महान एक योग्यतम शासक बना। अकबर के बारे में माना जाता है कि जब वो गद्दी पे बैठा तो उनकी महज 13 सालों का ही था और उसने बैरम खां के संरक्षण में ही अपना शासन शुरू किया। 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध के दौरान हेमू की हार हुई और उसके बाद मुगल में दोबारा से अकबर ने गद्दी पे बैठा, बट उस समय उसका संरक्षण बैरम खां के पास था। अकबर के बारे में हम बहुत महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार से हैं। अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जो कि 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक मुगल की गद्दी पे बैठा रहा और इसने तब तक ही शासन किया। इसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था, उमरकोट में हुआ था जो कि पाकिस्तान में है। उसकी मृत्यु 27 अक्टूबर 1607 में हुई और फतेहपुर सीकरी में। पिता का नाम हुमायूं था एवं माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। बैरम खां के संरक्षण में 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक इसे शासन किया और अकबर खां का जो शिक्षक था उसका नाम अब्दुल लतीफ ईरानी, अब्दुल लतीफ था जो कि एक ईरानी विद्वान था। अकबर बचपन में 13 साल की उम्र में ही गद्दी पे बैठ गया, इसलिए उसके जो बेसिक शिक्षा हुई वो बहुत अच्छी नहीं रही, बट उसने बहुत सारी चीजों का ज्ञान अर्जित किया और वो धर्मशालाएं भी कराता था और उसके जो रूलिंग का सिस्टम था वो बिल्कुल शेरशाह की पद्धति पे ही निर्धारित था और उसने उसी पद्धति को आगे बढ़ाया और इस प्रकार अपना शासन किया। हम अकबर के बारे में और भी इम्पोर्टेंट बातें भी पढ़ेंगे। अकबर ने गद्दी पे बैठने के बाद बहुत सारे कार्य किए। इसने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए बहुत सारे युद्ध भी लड़े एवं और भी नीति अपनाई, जिसमें कि परस्पर संबंध एवं वैवाहिक संबंध स्थापित करने द्वारा भी इसने अपना राज्य विस्तार किया। इसके अलावा अकबर ने बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए जो कि उसके राज्य विस्तार के लिए बहुत ही जरूरी रहे और इन कार्यों की वजह से अकबर को एक बहुत ही महान शासक भी माना गया है। अकबर के द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं इसका कई बार एग्जाम्स में क्रमबद्ध करने के लिए आता है, इसलिए आप इन चीजों को बहुत ध्यान से देखिए और इसे नोट डाउन भी करिए। अकबर के जो महत्वपूर्ण कार्य है उसमें है दास प्रथा का अंत 1562 में, अकबर को हरम दल से मुक्ति मिली 1562, जजिया कर की समाप्ति 1564, राजधानी परिवर्तन, आगरा से फतेहपुर सीकरी की स्थापना, आगरा से फतेहपुर सीकरी, अकबर ने राजधानी परिवर्तन किया और आगरा से फतेहपुर सीकरी नामक एक नया शहर बसाया और 1571 में उसे अपनी राजधानी बनाई। इबादत खाने की स्थापना 1575, दीन ए इलाही की स्थापना 1582, 1582 में उसने दीन ए इलाही की स्थापना की। दीन ए इलाही एक तरीके से एक सार्वभौमिक धर्म था जिसमें वो सभी धर्मों के लोगों को किसी भी लोग सभी धर्मों के साथ एक समान व्यवहार किया जाता था। इलाही संबंध की स्थापना 1583 एवं तीर्थयात्रा करके समाप्ति 1563।
फ्रेंड्स इनको आप बहुत ध्यान से देखिए, नोट डाउन करिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में इन्हें क्रम से लगाने के लिए आता है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो हर बार एग्जाम्स में से पूछे जा सकते हैं, उसमें है दास प्रथा का अंत, अकबर को हरमंदिर से मुक्ति, जजियाकर की समाप्ति एवं तीन इलाही धर्म की स्थापना। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि कई बार एग्जाम से पूछे गए हैं। सो फ्रेंड्स आप इनसे भी चीजों को ध्यान से लिखिए, नोट डाउन करिए और इन्हें अपने कॉपीज में शॉर्ट आउट करिए। अपनी राजस्थान नीति के अंतर्गत अकबर ने बहुत सारे युद्ध लिए, करीबन 20 युद्ध उसने अपने शासनकाल के दौरान लड़े, जिसमें से जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे वो थे 1556 का पानीपत की द्वितीय लड़ाई, बेसिकली ये हेमू के बीच में हुई थी। उस समय जो अकबर थे वो बैरम खां के संरक्षण में थे। उसके बाद 1561 में मालवा का युद्ध जो कि बाज बहादुर के विरुद्ध हुआ, गोंडवाना का युद्ध 1564 में जो कि वीर नारायण एवं दुर्गावती के विरुद्ध हुआ, मेवाड़ का युद्ध जिसमें कि 1568 में उदय सिंह के विरुद्ध एवं 1576 में राणा प्रताप के विरुद्ध। मेवाड़ का युद्ध सबसे ही महत्वपूर्ण है और कई बार लोग इस राणा प्रताप के साथ लड़े गए युद्ध के बारे में बात करते हैं। अकबर ने अपने राजनीति के तहत युद्ध विस्तार किया और अपने अंदर जितने भी महान सेनापति थे उनके मदद से बहुत सारी लड़ाई लड़ी और उससे महत्वपूर्ण लड़ाई में विजय भी प्राप्त की। इसके अलावा अकबर ने वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए और इस प्रकार भी अपने राज्य विस्तार की नीति की। इसने बहुत सारे डिफरेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए जो कि उसके लिए बहुत ही जरूरी थे, और उसने अपने देश की जनता के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट कार्य किया जिसने उसे बहुत ही महान शासक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके कारण हम अभी वह पढ़ गए। अकबर के शासनकाल में उसका महत्वपूर्ण शासक में सहयोग देने वाले उसके नौ रत्न माने जाते थे। अकबर के पास नौ रत्न थे और जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही महारथी थे, जिसमें से थे अब्दुल फजल जिसने अकबर नामक ग्रंथ की रचना भी की थी, फैजी जो कि अकबर का राजकवि था और अब्दुल फजल का भाई भी, तानसेन संगीतकार थे, बीरबल जो कि बहुत ही समझदार व्यक्ति माने जाते थे, और उस समय अकबर ने इन्हें कवि प्रिय नरहरि एवं महापात्र की उपाधि भी दी थी, टोडरमल उसमें राजस्व मंत्री थे और इन्होंने बहुत सारी राजस्व व्यवस्था बना रखी थी जो कि अकबर के शासनकाल में बहुत ही महत्वपूर्ण थी, राजा मान सिंह उसका एक तरीके से सेनापति था और इसने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी और इसने विजय भी प्राप्त की, अब्दुल रहीम खान खाना, फकीर अजीजुद्दीन और मुल्ला प्याजा ये भी सही व्यक्ति थे जो आपकी अकबर के नवरत्नों में शुमार थे। बीरबल के बारे में जानते हैं कि ये इनका बचपन का नाम महेश दास था और ये पहले और अंतिम ऐसे हिंदू व्यक्ति थे जिन्होंने दीन ए इलाही धर्म को अपनाया था। टोडरमल की वित्त व्यवस्था के लिए फेमस है, टोडरमल जो समाधि है वो ग्वालियर में है। अकबर ने स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान दिया, इसके योगदान को हम खाली नहीं जाने देते हैं और हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में है ये भी अकबर ने ही बनवाया। लाल किला आगरा, जो आगरे का लाल किला है वो अकबर ने बनवाया और जो दिल्ली का लाल किला है वो शाहजहां ने बनवाया। शाही महल फतेहपुर सीकरी में ये भी अकबर ने निर्माण किया है। लाल किले का निर्माण भी अकबर ने ही करवाया। आगरे के लाल किले का निर्माण अकबर ने करवाया और दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया। शाही महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में भी अकबर ने ही करवाया। तिवारी घास दिल्ली अकबर ने ही निर्माण किया। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी एवं इसके अलावा इलाहाबाद के किला एवं लाहौर का किले का भी निर्माण अकबर ने ही कराया। फ्रेंड्स अकबर के स्थापत्य कला इसके साक्ष्य के बारे में हमने बहुत ध्यान से पढ़ा। इसने मनसबदारी प्रथा को आगे रखा और उसी के अनुसार अपना शासन पालन किया। इसका पुत्र इसका उत्तराधिकारी सलीम जो कि सलीम इसके गद्दी पे बैठा और उसने इसके बाद शासन को संभाला। अकबर के बारे में ऐसा माना जाता है कि वो नक्कारा मतलब नगाड़ा बजाने में बहुत ही एक्सपर्ट था और वो बजाया करता था। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने अकबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे हमने पढ़े। आप प्लीज इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करिएगा और अपने अकॉर्डिंग इसके नोट्स बनाइएगा, क्योंकि ये आने वाले बहुत सारे विविध एग्जाम्स जैसे कि UP SSC, UPPCS, UPSC, इवेंट बहुत सारे स्टेट लेवल एग्जाम्स में आपके काम आएंगे। फ्रेंड्स आपको अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। फ्रेंड्स आपकी लाइकिंग और सब्सक्राइबिंग मुझे हेल्प करती है आपके लिए एक नए वीडियोस बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे। थैंक यू फ्रेंड्स।